हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। सो किड्स, एज यू नो फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.1 एंड टुडे इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। ठीक है, 4.1 बहुत दिन से कर रहे हैं और आज की क्लास में ट्राई करेंगे कि भाई कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 तक कल की क्लास में किया था, आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर are divisible by 9। ठीक है, तो कुछ नंबर नीचे दे देंगे और उनका आपसे पूछा है कि भाई 9 से डिविजिबल है कि नहीं। नंबर कौन कौन से हैं, 82 103 279 3041 702306 अभी देखो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे डिविजिबल है 9 से। तो भाई 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चलती है, 9 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो 3 की तरह ही है। सम करेंगे नंबर्स को, अगर डिविजिबल होगा वो जो सम आता है अगर वो डिविजिबल होगा दैट मीन्स वो पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो 82 पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 82 पार्ट ए 82। ठीक है, क्या करेंगे, व्हाट इज द रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट क्या है भाई यहाँ पे, 8+2 इज इक्वल्स टू 10। अब क्या 10 आता है क्या भाई, 10 आता है आपके 9 के टेबल में, नो वी डोंट गेट 10 इन 9 के टेबल। सो what we will do ahead, we'll write as the sum of the number, next we are going to write as the sum of the number, as the sum of the number, sorry baby, सम ऑफ द डिजिट्स होगा ना, सम ऑफ द डिजिट्स, एज द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल, एज द सम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so the number is not divisible. By 9। अब क्या सिखाया था, डिविजिबल या नॉट डिविजिबल को आपके पास ब्लैक पेन होगी, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर द टीचर टू चेक, इट विल बिकम इजी फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल एंड दिस नंबर इज डिविजिबल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी देखो 82 का ऐसे किया, क्या किया, 9 से पूछा था डिविजिबिलिटी, तो पहला 82 103
279, 304, 702, 306 ये सारे नंबर हमने लिए थे 82। सबसे पहले हमने किस नंबर को कंसीडर किया? वी हैव कंसीडर 82। अभी 82 में क्या किया हमने? सम ऑफ द डिजिट्स किया। सम ऑफ द डिजिट्स क्या हुआ? 8 + 2 = 10। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 9 के टेबल में 10 तो आता नहीं, 10 जो आया हमारा आंसर वो 9 से क्या है? डिविजिबल नहीं है। अब जब वो डिविजिबल नहीं है तो हमने आगे का सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? एज द सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ओके क्लास, मूविंग अहेड, मूविंग टू बेटर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए इसको, कंप्लीट दिस। ओके क्लास, नाउ गोइंग टू रेज द बोर्ड सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड, अब मैं एक छोड़ के एक क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द सी पार्ट, दैट इज 279, मैं अब लूंगी सी पार्ट। ठीक है, ओके, सी पार्ट मीन्स दिस नंबर, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन सी 279। वॉट आई विल राइट हियर, वॉट आई हैव टू राइट हियर, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू, राइट, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू 2 + 7 + 9, कितना आएगा? करो सम ऑफ द डिजिट्स निकालो और फिर आगे की सेंटेंस लिखो। Is divisible by 9. So the number is, what can we write? Divisible by 9. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी, लास्ट वाला। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो एक क्वेश्चन करा दिया इस डिविजिबल का, एक क्वेश्चन करा दिया नॉन डिविजिबल का। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू वो कौन सा होगा? वो होगा लास्ट वाला, 702, 306 वाला। करिए completed. Okay, now I'm going to write the next part.
Next is 7, 0, 2, 3, 0, 6. This is E part. ठीक है. सम करो जो नंबर से हमको डिजिट्स हैं उनको सम करो. 7, 2, 9, 9, 3, 12 प्लस 8. ठीक है भाई, 18 आया है ना. चलो अभी आगे करते हैं. क्या लिखेंगे? 18 है, डिविजिबल है, तो यस वी विल राइट दैट लाइन ओनली दैट. ठीक है. अब देखो बीच के दो क्वेश्चन मैम ने छोड़े हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं. ठीक है, बीच का दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो आप खुद से करोगे. हो गया कंप्लीटेड. ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7 हियर. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वर्ड A. Now question number 8 states that which of the following numbers are divisible by 4 and 8? Which of the following numbers are divisible by 4 and 8? कौन सा नंबर है जो कि 4 से भी divisible है और 8 से भी divisible है? ठीक है, तो 4 की divisibility क्या है? Last two digit को देखेंगे. ठीक है, अगर वो divisible होगा दैट मीन्स नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. और 3 में क्या होता है? लास्ट की तीनों नंबर को देखेंगे, डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा. चलो देख लेते हैं. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड 8. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Thank you.
मतलब दोनों से, 4 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेट्स सी नंबर 4, 3104 1205 3106 906 907 2870 3104, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज फोर 3104, देख लेते हैं। सबसे पहले 4 को देखेंगे, ए पार्ट 4 को देखेंगे, 4 से डिविजिबल देखेंगे, ठीक है। बी पार्ट 8। अब सबसे पहले 4 का देखेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम, लास्ट के 2 नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है 04 या 4, तो क्या 04 4 से डिविजिबल है? यस। 4 के 04 मतलब क्या बेटा? 04 इज व्हाट? 04 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट 4 आल्सो ना, तो 4 तो 4 के टेबल में आता है, राइट? सो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल। यस। अब नेक्स्ट 8 के लिए क्या देखते हैं? लास्ट के 3 नंबर 104। चलो करके देखो 8 के लिए लास्ट के नंबर को देखते हैं। तो द लास्ट का नंबर क्या है हमारा? 104। कितनी बार लेके जाऊं? 1 times 2 4, 8 के टेबल में 24 आता है, 3 टाइम्स में बिल्कुल आता है। पूरा कर गया है ना? अच्छा, इस तरह का डिवीजन आप ऐसे कॉपी के सामने नहीं करोगे, यू विल डू इट इन रफ ओनली, कॉपी के पीछे या दूसरी कॉपी में करोगे, ठीक है। तो यस, पूरी तरह से नंबर डिविजिबल है, दैट मीन यस। तो कहने का मतलब क्या, 3104 क्या है? 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी क्या है? डिविजिबल है। मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज 1205 1205। फिर से उसी तरह बना लेते हैं, बी का एक पार्ट क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 4, बी पार्ट
ओके लास्ट में क्या है हमारे पास फाइव, फोर से डिविजिबल है नहीं, फोर के टेबल में फाइव नहीं आता, देन 200 है। अच्छा एक चीज़ और, इवन नंबर है, इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा, इवन नंबर है, इवन नंबर के टेबल में कभी भी क्या नहीं आएगा, ऑड नंबर, 205 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, ओके क्लास, ए बी सी पार्ट आई विल डू हियर। सी पार्ट इज 316, 316 करिए। अब ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी है, ओके लास्ट देखो 16 ईयर हावे, 16 ईयर, 16 फोर के टेबल में आता है, फोर के टेबल से डिविजिबल है, यस, फोर फोर सा 16, सो विल राइट यस ईयर। अब आ रही है 316, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं 316 आता है कि नहीं आता है 8 से। ठीक है ओके, सो 316 ठीक है, कितनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टाइम्स लेके गए 24 25 26 27 28 29 30 31। नहीं डिविजिबल है, विल राइट नो। ठीक है, व्हाट वी विल राइट हियर, विल राइट नो। अच्छा देखो सी पार्ट तक तो मैम ने करा दिया, अभी बाक्की के रेस्ट ऑफ द पार्ट दीज ऑल क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड इसी मेथड से करेंगे, यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, सी पार्ट तक मैम ने करा दिया, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने अपने से इसी मेथड से करना है। ओके नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कर लो इसे, ये कर लो फिर मैं इरेज करूं। ओके क्लास, सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इज 14 अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 112, क्या 14 एक फैक्टर है 112 और 42 का, क्या 14 के टेबल में 42 और 112 आते हैं, दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अब क्वेश्चन अगर इतना होता तो ठीक था, अब आगे भी है, इज 14 अ फैक्टर ऑफ 112 प्लस 42 एंड 112 माइनस 42। ओके क्लास, सो नाउ आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑन यू गाइस टू पॉन्डर अबाउट। सोचो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करो बेटा, पूरी एक्सरसाइज मैडम ने करा दी, कम से कम एक क्वेश्चन खुद से करो, सोचो नहीं आता है ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे, वी विल डिस्कस दिस इन आवर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, बहुत सिंपल, देखो 14 के टेबल में 42 आता है कि नहीं, 112 आता है कि नहीं, अगर आता है देन यस। ठीक है, अब है इस 14 अ फैक्टर ऑफ 112 प्लस 42,
तब देखो तुम किस तरह से करते हो, दोनों को प्लस करके फिर करते हुए, जो भी आपका तरीका है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 54। Is it divisible by 6? Is it divisible by 6? क्या पूछा है? बोले क्या 54 2 और 3 से divisible है? क्या 54 2 और 3 से divisible है? If yes, is it divisible by 6 also? चलो देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 और 3 की नहीं, यहाँ पे बेटा 6 की डिविजिबिलिटी चेक हो रही है। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, ये बात कैसे पता चलेगी? अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। गॉट इट? ठीक है, चलो कर दो। अब भाई 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 54 को चेक करना है, तो डिविजिबल बाय 2, यस। क्यों? 4 आया है ना, वंस की प्लेस पे 4 है जो कि एक इवन नंबर है, तो यस। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाई 3 में क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट करो, 5 + 4 क्या आया? 9। 3 के टेबल में आता है, यस। तो मतलब 54 क्या होगा? 3 के टेबल से भी डिविजिबल है। अब जब ये दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल है। सो व्हाट वी विल राइट कि एज 54 is divisible by s54 is divisible by 2 and 3, so it is also divisible by, so it is also divisible by 6. Okay, dear class, here we have completed our exercise 4.1. 4.1 इधर complete कर लिया, ठीक है? We have completed exercise 4.1. Now do this question. Okay, completed. So class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.